नमस्ते बच्चों, आइए हम अपने Day-5 की एक्सरसाइजेस अब शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम अपने पूरे शरीर की एक्सरसाइजेस करेंगे। इन्हें हम स्थूल क्रियाएं कहते हैं। ये हमारे पूरे शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाने की एक्सरसाइजेस हैं। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम इंजन दौड़ से। आपको मालूम है, लेकिन आज हम इंजन दौड़ में थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। 10 कदम आगे जाएंगे इंजन दौड़ करते हुए, 10 कदम पीछे। देखिए, ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए, इंजन दौड़ की पोजीशन ले और इंजन दौड़ शुरू करें। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को अपने बट्स पर मारते हुए पीछे की ओर जाएं, फिर धीरे धीरे आगे की ओर, फिर पीछे, फिर धीरे धीरे आगे। याद रखें बच्चों, अपनी एड़ियों को अपने बट यानी कि अपने कूलों पर हर बार मारते जाएं। और इस एक्सरसाइज को कम से कम 20 बार आगे की ओर करें और फिर 20 बार पीछे की ओर करके रुक जाएं। थक जाने पर थोड़ी देर रुकें और फिर भस्त्रिका शुरू करेंगे। लंबा श्वास खींच के बाहर छोड़ते हुए भस्त्रिका। अब कुछ देर रुक करके आराम करें। तो बच्चों, अब हम करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज रेखा गति, मतलब एक लाइन में बिल्कुल सीधा चलना, जिसमें हमें अपने घुटने बिल्कुल नहीं मोड़। अब आपको मेरे पैर दिखाई देंगे, जिन्हें आपको बड़े ही गौर से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अपने मैट के एक किनारे पर दोनों पैर मिला के खड़े हो जाएं। नज़रें सामने रखते हुए अपना राइट पैर आगे बढ़ाएंगे और उसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे के आगे रखेंगे। इसी तरह से लेफ्ट पैर को, फिर राइट पैर को, फिर लेफ्ट पैर को, फिर राइट पैर को, और जैसे ही मैट के दूसरे सिरे तक पहुँचे दोनों पैर मिलाएं। अब उल्टा चलेंगे, ठीक इसी प्रकार से। पहले राइट पैर को घुमाते हुए बिना घुटना मोड़े पीछे, फिर लेफ्ट पैर को, फिर राइट पैर को, फिर से लेफ्ट पैर को, फिर राइट पैर को, फिर लेफ्ट पैर को राइट पैर के बराबर मिला लेंगे। इस एक्सरसाइज को बच्चों आप कम से कम 10 बार करेंगे। तो बच्चों, अगली एक्सरसाइज हम करेंगे उत्कूर्दन, मतलब अपवर्ड जंपिंग। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी हम जंप करेंगे तो हमारे दोनों एड़ियां हमारे दोनों पट पर कूलों पर जरूर जोर से लगें, और ऊपर उछलते वक्त सांस लेनी है, और नीचे जैसे ही आपके पैर आने लगे तो सांस छोड़नी है। देखिए, ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सीधे, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर रखते हुए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को मोड़ते हुए अपने सीने की तरफ लेके आएंगे। इसी दौरान आपको चलना है और वापस आते वक्त हाथ बिल्कुल सीधे। देखिए, सांस लिया, हाथ सीधे, दोनों एड़ियां आपके कूल्हे पर जोर से आपको मारनी है, कुछ इस तरह से। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 10 बार करें। तो आज की हमारी आखिरी एक्सरसाइज है सर्वांग पुष्टि। आइए करते हैं। दोनों पैरों को 3 फुट की दूरी पर खोल लीजिए, कुछ इस प्रकार। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, नजरें सामने, कंधे हल्के से पीछे खींचे हुए, सीना निकला हुआ। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए मुष्टि बनाएंगे, श्वास भरते हुए हल्का सा पीछे झुकेंगे और अपने राइट साइड से नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, अपना माथा घुटनों से लगाएंगे। अब हाथ बदलेंगे, श्वास भरेंगे, फिर से उठेंगे, दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए झुक जाएंगे और माथा फिर घुटनों से। पुनः हाथ फिर बदलेंगे, श्वास भरेंगे और दूसरी तरफ फिर झुक जाएंगे। याद रखें, जिस भी दिशा में आप झुकने जा रहे हैं वो वाला हाथ आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक इस प्रकार से। यह अभ्यास हमारा सर्वांग पुष्टि।
इस अभ्यास को बच्चों कम से कम आपको 5 बार एक तरफ और 5 बार दूसरी तरफ शुरुआत में रोज करना है, और फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा करके 25-25 बार तक जाना है। यह हमारे शरीर को मजबूत करेगा। वापस से दोनों पैर मिलाएं और खड़े हो जाएं। बच्चों अब हम शवासन करेंगे। दोनों पैरों को 1 फुट की दूरी पर खोलते हुए अपने मैट पर लेट जाएं। दोनों हथेलियां आसमान की ओर, अपने सिर को भी एडजस्ट कर लें, कपड़ों को एडजस्ट कर लें। याद रहे पूरा शरीर आपका मैट या चटाई या फिर चादर पर हो। अभ्यास के बाद कम से कम रोज़ाना 10 मिनट आपको शवासन करना बहुत ज़रूरी है। अब हिले नहीं और बिल्कुल शांत होकर के लेटे रहें। अब आज की क्लास समाप्त करने से पहले बच्चों अपने पैरों को इस तरह से मोड़ के पद्मासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके रखेंगे और अपने दोनों हाथों को चिन मुद्रा में इस तरह से मोड़ के दोनों अपने घुटनों पर रखेंगे। लंबा श्वास भर के 1 बार ओम चांत करेंगे और 3 बार शांति बोलेंगे और फिर क्लास समाप्त करेंगे। लंबा श्वास भरें, आंखें बंद रखें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़िए, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रगड़े आपस में, धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखें। पल के झपकाते हुए अंधेरे में आंख खोले, नीचे देखते हुए हाथ हटाए। नमस्ते बच्चों।